हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ, सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि मैंने बालों में मेहंदी लगाया था। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरी पूजा हो गई है, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आज मैंने खाने में ये बनाया है, ये देखिए। तो दोस्तों, मेरा खाना पीना हो गया है और अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज है होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब होली में एक दिन बच रहा है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। जो भी मेरा जो बाकी प्रिपरेशन है वो सारा मैं कर लेती हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं करूँगी सारी रेसिपी की तैयारी। तो सबसे पहले जो है, मैंने किचन को खाली कर दिया है। जो भी खाना मैंने दोपहर का बनाया है वो मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा रेसिपी बनती है तो किचन जो है पूरा भर जाता है, इसलिए मैंने खाली कर दिया है। तो सबसे पहले मैं मालपुआ का घोल तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे मालपुआ बनाना होता है तो मैं उसे एक दिन पहले घोल तैयार कर लेती हूँ, जिससे कि मालपुआ बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने जो है मैदा एक कप ले लिया है। मेजरमेंट का ध्यान रखें और अब देखिए क्या क्या मैं इसमें डालती हूँ। और मैं इसको जो है आपको रात में बना कर दिखाऊंगी, आगे आप वीडियो में देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी, और इसमें अब हम डालेंगे पिसा हुआ चीनी। मैं बिना रस वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पिसा हुआ चीनी डाला है हाफ कप। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी और इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुलटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। इसे हम ढक कर रख देते हैं, अब रात में इसे हम यूज़ करेंगे। अब मैं नमकीन सेव बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप बेसन और इसका हम डो प्रिपेयर करेंगे। बेसन में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च और जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे तेल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा डो तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने तेल जो है गर्म कर लिया है। अब मैंने लिया है अदरक ग्रेटर और इसमें मैंने लगा दिया है तेल, और इसी पे मैं बेसन का घोल लेकर और इस तरह से मैं इसे करूँगी। और ये देखिए नीचे जो है गिरने लगा है। अब इसे हम छान लेंगे। ये नमकीन जो है मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा नमकीन जो है रेडी हो गया है। इसे मैं ठंडा होने दूंगी, इसके बाद मैं इसे डब्बे में रख दूंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी हम लोग बना रहे हैं नमकीन काजू, जो बहुत ही खस्ता और टेस्टी लगता है, बिल्कुल काजू जैसा ही होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन हथेली पर लेंगे और इसे हम इस तरह से मसलते हैं, इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है कि हमारे हाथों में बंध जाए। अगर नहीं बनता है तो आप इसमें थोड़ा सा और रिफाइंड डालिए और इसे मिक्स करिए। अब इसके बीच में हम गैप बना लेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा और इसे हम पानी में घोल लेंगे। उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। हमें बहुत ही टाइट डो तैयार करना है, कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो मैंने जो है डो तैयार कर लिया है, तो इसको मैं 4 भाग में डिवाइड कर लेती हूँ। बिल्कुल इक्वल हमें इसे डिवाइड कर लेना है। अब इसका हम रोटी बना लेते हैं। तो
एक रोटी को मैंने बेल लिया है, दूसरे रोटी पे हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। ये मैं क्यों इस तरह से की हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो इसे हमें अच्छे से बेल लेना है, थोड़ा सा इसे हमें मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का ढक्कन लेंगे और इस तरह से हम इसका काजू का शेप बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा काजू का कट कर लिया है। अब हम तेल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे काजू। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, लो फ्लेम पे हम इसे छानेंगे। मैदा का कुछ भी आप छानिए तो लो से मीडियम फ्लेम पे ही छानना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा काजू रेडी हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, देखने में बिल्कुल काजू का जो कलर होता है वो फ्राई काजू होता है ना, उस टाइप का ये लग रहा है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मसाला। यहाँ पे मैंने मसाला जो है तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पे मेरा जो काजू है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसको प्लेट में ले लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा नमकीन मसालेदार काजू रेडी हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा नमकीन काजू रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल काजू जैसा, वो जो रियल काजू होता है उसके जैसा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दो जो रोटी को ज्वाइन किया था वो क्यों किया था। तो इस तरह से जैसे काजू का शेप होता है वैसे ही ये बन जाता है, इसलिए मैंने किया था। जिस देखने में बिल्कुल ओरिजिनल काजू जैसा लगता है। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे हम डब्बे में रख देंगे। अब इसे मैं रख देती हूँ डब्बे में। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ कचौड़ी की तैयारी करने। तो उसके लिए मैं पहले स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। और बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बगल में कहीं गुली गवा रहा है। तो चलिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया, इसमें डाला है तेल। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और अजवाइन और कलौंजी और इसका कलर चेंज होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मटर और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे मिक्स करते हुए। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डो के लिए लिया है 1.5 कप मैदा, 1/2 कप गेहूं का आटा, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच अजवाइन, और इसे हाथों से मसलते हुए इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया, ये देखिए बिल्कुल बन जा रहा है। अब इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी। अब इसका हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। और जो मैंने स्टफिंग के लिए मटर भुना है वो भी ठंडा हो गया, तो इसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो गया है और डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम भर लेते हैं, कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे का छोटा सा पोर्शन लिया और इस तरह से इसे हम फैला लेंगे और इसमें हम जो स्टफिंग है वो डालेंगे और इसे हम अच्छे से बंद कर लेंगे दबाते हुए कुछ इस तरह से। तो ये एक जो है कचौड़ी का पेड़ा रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सबको तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम फैलाते हुए हाथों से ही हम कचौड़ी तैयार करेंगे। मैं इसे बेल नहीं रही हूँ, इस तरह से हम सबको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। तो इसे मैं फ्राई करूँगी और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए। तो तेल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है कचौड़ी रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कचौड़ी। तो ये देखिए मैंने जो है किचन को पूरा साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने सारा बर्तन भी धो लिया है और यहाँ पे मैंने जो पुआ का घोल तैयार किया है वो रख रखा है। तो अब मैं इसे बनाऊँगी। तो दोस्तों रात हो गई है, अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाने जा रही हूँ पुआ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पुआ। ऐसा तो मैं कल बनाऊँगी लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। यहाँ पे मैंने जो पुआ का लोर तैयार किया था वो ले लिया है। इसमें डालेंगे हम नारियल का बुरादा,
दो बड़ा चम्मच, और ये मैं घर का मलाई है वो डाल रही हूँ, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। जब बनाना होता है तभी इसे हम डालते हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए हमारा बैटर। अब जो है हम कढ़ाई में घी डाल देते हैं। यहाँ पे मैं घी में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। अब इसमें हम बैटर डाल देते हैं। तो ये देखिए मेरा पुआ जो है खिल गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम सारा पुआ बना लेंगे। ये देखिए मैं और भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो दोस्तों पुआ जो है मेरा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा मेरा पुआ बना है, आप भी देखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।